वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मैं सभी का स्वागत करता हूँ फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल पे। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स या कॉल या व्हाट्सएप मैसेज आ रहे थे, सर फार्मेसी के बारे में बताओ। बच्चों, मैं आप लोगों को दोबारा गुजारिश करता हूँ, जो बच्चे बी फार्मेसी कर सकते हो बी फार्मेसी ही करें एज कम्पेयर टू द डी फार्मेसी। डी फार्मेसी ये डिप्लोमा है और बी फार्मेसी एक डिग्री है। डिग्री मिलने के बाद बच्चों हम लोगों को जॉब की अपॉर्चुनिटी एज कंपेयर टू द डी फार्मेसी से ज्यादा होती है। लेकिन जिन बच्चे का ग्रुप क्लियर नहीं हो रहा है, उन बच्चे ने सबसे मेन बात ध्यान में रखना, उनको डी फार्मेसी करना पड़ेगी। लेकिन जिनका ग्रुप क्लियर है, सीईटी में भी अच्छे खासे नंबर आते हैं, तो पहले सबसे पहले बी फार्मेसी को चूज करें, बाद में डी फार्मेसी के बारे में सोचे। क्योंकि बच्चों डी फार्मेसी करने के बाद भी बच्चों बी फार्मेसी करते हैं, इसका मतलब आपका टाइम बहुत जाता है इसमें। तो मैं हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं, पहले बी फार्मेसी के बारे में सोचो, नहीं हो रहा है तो ऑप्शन डी फार्मेसी, जो फार्मेसी करना चाहते हैं। बी फार्मेसी का मतलब है बच्चों बैचलर ऑफ फार्मेसी, मतलब ये डिग्री कोर्स है बच्चों। ये इनका ड्यूरेशन 4 ईयर का है, 8 सेमेस्टर होते टोटल, मतलब साल में 2 सेमेस्टर होते हैं। इसकी जो इलिजिबिलिटी जो है 12th स्टैंडर्ड में पीसीएम या पीसीबी बीएम है ना, ये जनरल ग्रुप रहा, तो मैक्सिमम 50% आपको होना ही होना, मतलब 150, भले किसी को अगर 149 रहे तो भी उनका नंबर क्राइटेरिया कंपल हो सकता है। इसके लिए एज लिमिट है 20 ईयर बच्चों, ठीक है। एंट्रेंस जो एग्जाम है उसके लिए हमारे महाराष्ट्र वाले बच्चे एमएचटी सीईटी देते फॉर ओनली महाराष्ट्र, लेकिन कुछ पंजाब सीईटी होती है, बीटसैट होता है, यमिटी होती है, वेस्ट बंगाल की जेडब्ल्यू होती है, यूजेडब्ल्यू होती है, ऐसे अलग अलग एग्जाम्पल है, लेकिन इनसे कोई लेना देना नहीं है। हम लोग ज़्यादा करके महाराष्ट्र में ही देते, जिनका महाराष्ट्र में नंबर नहीं लग रहा उनको बाहर देना है तो दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये मेरे ख्याल से कोई फॉर्म भरता नहीं है, हम लोग एमएचटी सीईटी का ही फॉर्म भरते हुए, हम लोग एक एग्जाम को क्रैक करते हुए हमारा ही कुछ कॉलेजेस महाराष्ट्र के मैंने बेस्ट कॉलेज आपको दिए है, ओके। उसके बाद में बच्चों ध्यान रखना है बेस्ट कॉलेज कौन से और सैलरी कितनी है, उसकी फीस कितनी है। 4 नंबर पे हमारे महाराष्ट्र का कॉलेज आता है आईसीटी पुणे में, है ना, आईसीटी मुंबई कॉलेज, उसके लिए फीस है 85,350 पर ईयर फीस है बच्चों, 85,000 फीस है, ज्यादा फीस है मुझे पता है। लेकिन बच्चों जैसे ही आपका कैंपस इंटरव्यू होता है तो आपको मिनिमम सालाना यहाँ पे 3 लाख पहला ही पैकेज मिल जाता है फर्स्ट, ठीक है। बाद में आपका इंक्रीमेंट होते 10 लाख 15 लाख भी ले सकते हो, अगर आप लोग एम फॉर्म करते हो तो बहुत बढ़िया, एम फॉर्म करने से बहुत अपॉर्चुनिटी मिलती है। बॉम्बे कॉलेज ऑफ बी फार्मेसी में आपको फीस कम है बच्चों 27,554 रुपीज पर ईयर ले, इसका भी बच्चों पैकेज लगभग सेम है, आगे पीछे होता है, ये आपने नॉलेज कितना गेन किया है उसके ऊपर निर्भर करेगा कि आपको पैकेज कितना मिलने वाला है। ये मैं पैकेज दे रहा हूं 3 लाख सर, मैंने किया बी फॉर्म से, नायक सर ने बताया था, मिला नहीं मुझे पैकेज। बच्चा आपने कितना नॉलेज गेन किया, 3 लाख से भी ज्यादा मिल सकता है, मिनिमम 3 लाख मिलना चाहिए एज पर माई व्यूज। सर फेल होते जा रहे हैं, मुझे पैकेज मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा, ठीक है ना। ये कॉलेज बहुत बढ़िया, 24 रैंक है बच्चों, 73 रैंक है एमआईटी वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे, इन कॉलेज में आपको फीस भरना पड़ेगी 1 लाख, है ना, 1,95,000, 2 लाख के करीब करीब फीस है बच्चों, ज्यादा फीस है। सिंहगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी पुणे, इसमें भी 1,25,000 फीस भरना पड़ेगी, सैलरी नियर अबाउटली 3 लाख के आसपास ही होगी बच्चों, कम ज्यादा होती रहती, वेरिएशन होते रहता है, और ये रैंकिंग भी हमेशा ऊपर नीचे होती रहती है, नहीं तो पकड़ के मत बैठना कि सर आपने तो रैंक बताया था लेकिन वो रैंक तो मैंने देखा नहीं है, बिल्कुल नहीं होगा, 100% कम ज्यादा होते रहता है। उसके बाद में भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ फार्मेसी कोल्हापुर, जैसे पुणे में भी विद्या भारती का है लेकिन ये कॉलेज अच्छा है, यहाँ पे 1,35,292 इतनी फीस है, इसमें फीस में भी थोड़ी कम ज्यादा हो जाती है, वेरिएशन होते रहता है, मैं अप्रोक्सिमेटली इसकी वैल्यूज बता रहा हूं, मतलब फीस बता रहा हूं। डीवाई पाटिल पुणे, इसमें भी नियर अबाउटली 1.25 लाख के ऊपर फीस होती है,
अब देखो ईबीसी फॉर्म कोई कैटेगरी रहे तो उनकी फीस आपकी कम होती है, ओपन के लिए फीस लिखी है, जो कैटेगरी होती है बच्चों कैटेगरी के वेरिएशन होते रहते आपको सर्च करना पड़ेगी। 40 नंबर पे हमारा जो कॉलेज है YB54 कॉलेज ऑफ फार्मेसी औरंगाबाद, बहुत बढ़िया कॉलेज है, मैं खुद औरंगाबाद में रहता हूं, मुझे पता है उसकी 1,30,000 फीस है। और सबसे कम फीस वाला कॉलेज पूरे इसमें हम लोगों को यही मिला है, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी औरंगाबाद, 16,000 मात्र फीस है, 16,000 ओनली। मतलब बच्चों सीईटी में अगर आपके अच्छे नंबर आते हैं तो बी फार्मेसी गवर्नमेंट कॉलेज से करोगे तो श्योर एश्योर्ड बच्चों आपको सबसे कम फीस और सबसे अच्छा भी कॉलेज मिल सकता, अच्छी फैसिलिटीज है इसमें और आप लोगों को मात्र 16,000 फीस है और सैलरी देखे तो उनके हिसाब से बहुत ही अच्छी होती है। उसके बाद में बच्चों क्या आफ्टर बी फार्मेसी करने के बाद, बी फार्मेसी करने के बाद आप लोगों को एम फार्मेसी पीएचडी करते हुए हम लोग फॉरेन में भी जा सकते हैं, बहुत सारे बच्चों को तो करोड़ों में भी इसके सैलरी मिलती है पर एनम अगर आप लोग डी फार्म बी फार्मेसी एम फार्मेसी बाद में पीएचडी रिसर्च करोगे और बहुत बड़े कंपनी में जाओगे तो हो सकता है कि आपको अच्छा भी अपॉर्चुनिटी मिले और अच्छा पेमेंट और अच्छी सैलरी मिल सकती है। ठीक है, आफ्टर बच्चों जिन लोगों की फार्मेसी जो स्टोर खुलना है या एजेंसी ले सकते हैं उनको बहुत अगर बिजनेस करना है पैसा आपके पास तो बिजनेस से भी बच्चों बहुत पैसा कमा सकते हैं, ये भी है। ज्वाइन द इंडस्ट्री फॉर रिसर्च, रिसर्च करना है तो रिसर्च जैसे कि बहुत सारे ड्रग्स को रिसर्च किया जाता है तो उसमें भी रिसर्च बोल के इंडस्ट्री में बहुत अच्छे अच्छे जॉब होते हैं और अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। यूपी से दे सकते हैं बच्चे और यूपी से देने से आपको जो टाइप ऑफ जो जॉब होता है ड्रग्स इंस्पेक्टर बोल के एमपीसी यूपीसी द्वारा भी उनको सेलेक्ट किया जाता है, मतलब उनके लिए जब भी एमपीसी या यूपीसी एग्जाम लेती है तब बच्चों इसके लिए स्पेशल पोस्ट होती है बी फार्मेसी के लिए भी। ठीक है, आप लोग यूपीसी एमपीसी करके आप अपनी आईएसआई अधिकारी भी बन सकते हो और उससे अच्छी पोस्ट मिल सकते हैं ड्रग्स इंस्पेक्टर बोल के। उसके बाद में फार्मास्यूटिकल सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में भी बहुत बड़े जॉब होते हैं बच्चों, अच्छा टीचिंग जॉब होता है, लेक्चरर प्रोफेसर भी बन सकते हैं आप लोग। इसके अलावा बच्चों मेडिकल राइटर भी बन सकते हो, ड्रग सेफ्टी है, उसके बाद में ड्रग्स इंस्पेक्टर है और फार्मा साइंटिस्ट बोल के ऐसे कुछ पोस्ट होते हैं, उन पोस्ट को भी आप लोग अचीव कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने बहुत ज्यादा लिखा है, मुझे पता है आपको स्क्रीनशॉट निकालना तो निकाल सकते हो भैया। ठीक है, उसके अलावा आपको और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं देते रहूंगा, लेकिन आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी तरह से देखना है, शेयर करना है और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी फॉर MHT CET।